सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल द्स देख लेते हैं कल निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकता है और कहीं ना कहीं अगर आप आज का देखो तो आज आपको पता चला होगा कि एग्जैक्ट uh, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे जब मार्केट ने आज वो लेवल्स ब्रेक किए तो एग्जैक्ट जो हमारा टारगेट था वो किस तरीके से हिट होता है वो भी आपको देखते हैं ठीक है so, सो गाइज uh, यहाँ से आपको बेसिकली ये जो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है मैंने आपको कल कहा था ये चीज़ ठीक है कि मार्केट पॉसिबिलिटीज है कि कल इसी जोन पे क्या कर जाए सपोर्ट लेके यहां से ऊपर जाने का ट्राई करें और मैंने आपको ये चीज भी वहां पे कही थी कि अगर डायरेक्टली मार्केट क्या करता है हमारा ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था कहीं ना कहीं अगर मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे तो वहां पर क्या हो सकता है एक फेलियर का वहां पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है हमारे ट्रेंड लाइन रिजेक्शन भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट वो वहां पर रिजेक्शन है खा सकता है ठीक है और वापस से अपने क्या क्या हो सकता है सपोर्ट लाइन के पास आ सकता है अब आज के दिन पे आप देखो होता है मार्केट में ठीक है यहाँ देखो ठीक है ये हमारा आज मार्केट ओपन हुआ ठीक है आपको दिख रहा है कि कितनी बड़ी कैंडल बनी नीचे आपको विक दिख रही है इसकी तो विक क्यों दिख रही है क्योंकि काफी अच्छी यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखी थी जैसे ही वो मार्केट में बाइंग आई तो नेक्स्ट जो हमारी दो तीन कैंडल थी उन्होंने क्या कर दिया इस ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसको यहाँ पे ब्रेक किया ठीक है बट अगर आप नेक्स्ट उसके आने वाली आगे की तीन कैंडल्स पे ध्यान दोगे तो वो उसने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था वो फेल कर दिया था कंप्लीटली ठीक है और उसके बाद जब मार्केट धीरे से क्या हुआ धीरे धीरे करके यहाँ पे बाउंस बैक लेना शुरू करा मैंने आपको फिर कहा था उस सिचुएशन में क्या होगा आपका कि ये जो लाइन आ गई आपकी आपको ये भी ब्रेकआउट मिलेगा और प्लस आपका ये रेजिस्टेंस जोन इनका ब्रेकआउट भी मिलेगा तो जब आपको इन दोनों चीजों का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला उसके बाद आप देख सकते हो मैंने आपको बोल दिया था आपके जो यहाँ पे टारगेट होंगे वो ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी तक के आपके टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं एग्जैक्ट आज जो तो मार्केट ने हाई लगाया वो है ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी नाइन का आई थॉट ठीक है ये भी बता देता हूँ आपको मैं ठीक है तो आज का एग्जैक्ट हमारा ही लगा है ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी वन का तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि एक बार क्या होता है जब अच्छे से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो किस आ, आ, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या होता है हमें हमारे टारगेट मिलते हैं अब यहाँ पे देखो अगर बेसिकली करना क्या था देखो बीच में जो रेड कैंडल्स बन रही है उनपे आप ध्यान मत दीजिएगा ठीक है होता है क्या है आपको ना जब आता इस तरीके से कभी भी कोई ब्रेकआउट आता है तो आपको क्या होता है खुद पे भी थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में फिर बिहेव करेगा क्योंकि अगर ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और एक काफी अच्छा जो रेजिस्टेंस जोन था पूरा बना हुआ मार्केट ने उस जोन का ब्रेकआउट दिया मतलब अगर आप ये सिंपल सा जोन देखो तो ट्वेंटी वन आपका मैंने आपको कहा था अराउंड एट फिफ्टी के ऊपर बाय करने के लिए और आपका 815 के आसपास से ही शुरू हो गया था तो 30 40 पॉइंट का तो आपका ये जोन ही एक बना हुआ था जो कि आज ब्रेक किया तो 30 40 पॉइंट का जोन भी ब्रेक कर रहा है ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली मार्केट फिर सस्टेन करेगा ऊपर तो ऐसे ही आज हुआ स्लो एंड स्टडी मूवमेंट थी बट हमें हमारे टारगेट मिले और कुछ भी नहीं तो वहां से अगर नाइन के ऊपर किसी ने अगर बाय किया होगा तो उसके हंड्रेड पॉइंट के टारगेट थे और अगर सॉरी एट के ऊपर और एट के ऊपर बाय किया होगा तो भी नाइन पॉइंट्स का यहाँ पे हमें डेफिनेटली पे क्या हुआ वन टारगेट दिखा वो भी बिना किसी आ, नेगेटिविटी के ठीक है थीके? अब देख लेते हैं कल किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं देखो अभी मार्केट के लिए क्या है कि अगर आपको दिख रहा होगा आज मार्केट ने क्लोज किस पे किया मार्केट ने आज हमारा जो फर्स्ट टारगेट था या फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने वहां पे क्लोज किया बट कल के दिन अगर आपको यहाँ पे बाइंग की सिचुएशन कोई भी देखनी है तो देखो आपके लिए अराउंड ये नाइन का जोन तो रहेगा ही रहेगा प्लस अगर मैं आपको दूसरा बताऊं तो आपका क्या है यहाँ पे अराउंड फिफ्टी पॉइंट अगर आप एड कर दो ठीक है तो ट्वेंटी का ये जो लेवल होगा ये आपका क्या हो सकता है कल के दिन रेजिस्टेंस की तरह

सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा भली एक्सटेंड थोड़ा कर सकते हैं ठीक है तो देखो मार्केट को अगर कल पुट के डायरेक्शन में आना है ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा अब आज जो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है ठीक है हमारा ये कल के दिन हमारा क्या है काफी अच्छा है सपोर्ट की तरह काम करेगा तो एटलीस्ट मार्केट अब जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे तब तक कोई भी पुट के बारे में मत सोचना ट्रेंड लाइन आ रही है भले ही पर लाइन का यहाँ पे उतना ज्यादा देखो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है बट मैंने आपको बता दी जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है आपकी ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जितना आपका ये जो एकदम फ्लैट जो आ रहा है ठीक है फ्लैट जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है जितना इंपॉर्टेंट ये है तो एटलीस्ट आप जो भी फुट साइड ट्रेड के बारे में सोचूं वो आप देखना कि एटलीस्ट आपका क्या हो अराउंड एक हजार आठ सौ बीस के नीचे ही हो ठीक है तो पहली चीज हो गई कॉल साइड के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया ट्वेंटी टू थाउजेंड का दूसरा एक और चीज क्या हो सकती है यहां पे ठीक है क्योंकि आज के दिन देखो स्लो एन स्टडी मोवमेंट है ये काफी ठीक है तो अब आपको ध्यान के देना है कल सुबह की ओपनिंग uh, पे थोड़ा ध्यान देना होगा ज्यादा बड़ा गैप अप या फिर ज्यादा बड़ा गैप डाउन uh, कल के दिन पे ना आए ठीक है गैप अप के सिचुएशन में क्या कर सकते हो देखो अगर यहाँ से अराउंड मार्केट फिफ्टी सेवेंटी पॉइंट का गैप अप ले भी लेता है तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा हो क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा फिर हमारा जो ट्वेंटी टू थाउजेंड का लेवल था कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्या करेगा फिर ओपनिंग करेगा बट एक और चीज आपको ध्यान क्या रखनी है अगर मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड के लेवल के ऊपर ओपन होता है तो एटलीस्ट अगर मार्केट क्या हो वहीं से अगर ट्रेंडिंग ऊपर के लिए ना बढ़ने लगे मतलब थोड़ा सा अगर फ्लैट ही मार्केट रहे तो आपको क्या करना है वन आवर का वेट करना है वन आवर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं आ, न्यू हाई के टारगेट अपने रख सकते हैं वहीं अगर मार्केट क्या करे थोड़ा अप डाउन अगर इस तरीके से करे तो उस वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है और एक और चीज पर आपको मैं बता दूं ओपन हाई की सिचुएशन पर भी कल आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है 22000 के आसपास अगर आपको ओपन है बनता हुआ दिखता है तो छोटा सा आप एक वहाँ पे स्कैल्प प्लान कर सकते हो 22000 के लेवल पे अगर आप करते हो स्कैल्प प्लान तो कहीं नहीं कहीं आपके वहाँ से अराउंड 80 टू 100 पॉइंट का एक छोटा सा स्केल्प आप वहां से रख सकते हो ठीक है 20 uh, uh, 21900 के 100 के लेवल्स के, लेवल के लिए बाकी गाइज पुट के लिए तो यही आपका पुट के लिए आपका ये रेजिस्टेंस है और कॉल के लिए आपका मैंने बता दिया ट्वेंटी टू थाउजेंड का लेवल एंड जब तक मार्केट अराउंड इस जोन के हमारे बीच में रहेगा तो ये हो जाएगा गाइज़ हमारा आ, नो ट्रेडिंग जोन ठीक है सो तो गाइज़ ये कल निफ्टी के लिए ठीक है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू फ्रेंड्स